नवीन भाई आवाज को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाएं नवीन भाई और पनवेल की ताजा तरीन खबरें। भारतीय जनता पक्ष कामोठे के युवा नेते हैप्पी सिंह का जन्मदिन 3 सितंबर को बड़े उत्साह में संपन्न हुआ। हर साल की तरह इस साल भी हैप्पी सिंह ने अपना जन्मदिन सामाजिक कार्य करते हुए अनाथ एचआईवी ग्रस्त बच्चे और सीनियर सिटीजन्स के चेहरे पे हंसी लाकर सेलिब्रेट किया। पूर्व सांसद रामशेठ ठाकुर, सांसद श्रीरंग बारने, सिडको अध्यक्ष तथा विधायक प्रशांत ठाकुर, पनवेल महानगर पालिका सभागृता परेश ठाकुर और साथ ही कई मान्यवरों ने मिलकर हैप्पी सिंह को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। पूरे दिन भर हैप्पी सिंह को जन्मदिन की शुभकामनाएं मिल रही थी। उन्होंने चिपले गांव स्थित अनाथ एचआईवी ग्रस्त बच्चों का जीवन संवारने वाले ब्लेस फाउंडेशन में जाकर वहां के बच्चों को पढ़ाई के लिए कंपास और चॉकलेट दी, साथ ही उनकी हेल्प के लिए चेक भी दिया। उसके बाद भांगर उमरोली स्थित करुणेश्वर ओल्ड एज केयर हाउस में जाकर सीनियर सिटीजन को फल बांटा और उनके साथ केक काटकर अपना जन्मदिन सेलिब्रेट किया। इस वक्त उनकी पत्नी, परिवार और युवा मित्र मंडल के कार्यकर्ते उपस्थित थे। हमेशा समाज की सेवा करने में अग्रसर रहने वाले हैप्पी सिंह ने अपना जन्मदिन सामाजिक बांधिलकी को बढ़ावा देते हुए सेलिब्रेट किया। सांसद श्रीरंग बारने, ब्लेस फाउंडेशन, करुणेश्वर ओल्ड एज केयर हाउस, हैप्पी सिंह जी की पत्नी और उपस्थितों ने हैप्पी सिंह का आभार मानते हुए और उन्हें उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है। खरतर गणेश उत्सवाचा अतिशय चांगल्या प्रकारचा हे पर्व आहे आणि या पर्वामध्ये हैप्पी सिंहचा वाढदिवस या ठिकाणी साजरा होतो। मी देखील त्यांना शुभेच्छा वाढदिवसाच्या दिलेल्या आहेत। हैप्पी सिंह या परिसरामध्ये अतिशय चांगल्या प्रकारचं सामाजिक काम करतात, राजकीय कामाबरोबर सामाजिक काम करतात आणि समाजातील तळागाळातील माणसाला मदत करणारा एक तरुण या परिसरातील चांगल्या प्रकारचं काम करतो आहे आणि म्हणून मी स्वतः माझ्या सगळ्या सहकाऱ्यांच्या वतीने हैप्पी सिंहला वाढदिवसाच्या मनपूर्वक शुभेच्छा या ठिकाणी व्यक्त केलेल्या आहे। या पाठीमागं ज्या पद्धतीने काम करत होतं त्याहीपेक्षा जास्त काम करण्याची ऊर्जा गणरायाने हैप्पी सिंहला द्यावी अशा प्रकारची मनपूर्वक शुभेच्छा। हैप्पी सिंह आमचा खूप जवळचा मित्र आहे, त्याच्या वाढदिवसाची आम्ही खरंच खूप आतुरतेने वाट बघत असतो कारण त्याच्या वाढदिवसानिमित्त ज कित्येक गरीब गरजू मुलांना शालेय साहित्य असो किंवा वृद्धाश्रमातील वृद्ध लोकांना त्यांच्यासाठी यूज होणाऱ्या
ब्लँकेट असो किंवा चेकच्या स्वरूपात ज्या पद्धतीने पनवेलचे आमदार प्रशांतदादा गरीब लोकांसाठी शिबिर राबवतात त्यांच्या पाव ठेवून आज हॅपी देखील त्याच कार्यामध्ये सतत पुढे जात आहे। तर खरंच खूप आनंद होतो त्याच्या वाढदिवसानिमित्त। नक्कीच त्यांनी खूप जास्त आयुष्य त्याचं फुलून निघावं, भरभराटी अजून जास्त चांगल्या चांगल्या पोस्टवर त्यांनी जावं आणि खूप चांगल्या पद्धतीने समाजामध्ये वावरतो असंच त्यांनी पुढे देखील राहावं। मेरे हस्बंड हर साल ऐसे ही कहीं वृद्धाश्रम में जाते हैं, कभी बच्चों के आश्रम में जाते हैं। बाहर पैसे वेस्ट करने से अच्छा जिनको हेल्प है, मतलब जिनको नीड है ये चीज़ों की, उनको राशन को चेक्स वगैरह दे देते हैं, फ्रूट्स ला के दे देते हैं। हर साल उनका यही रहता है रूटीन कि वृद्धाश्रम जाके सब लोगों के साथ मतलब सेलिब्रेट करना है और या फिर जाके बच्चों के साथ जाके सेलिब्रेट करना है, बस यही उनका। बस भगवान उन्हें ऐसे ही तरक्की में रखे और वो ऐसे ही दान पुण्य करते रहे। हैप्पी सिंह साहब अगर बोला जाए तो हैप्पी सिंह साहब हम जो दर वर्ष अपना वाढदिवस इकडे साजरा करतात करुणेश्वर हॉटेल्स गेस्ट हाऊसला आणि कसं त्यांचं एक आमचं एक फॅमिली रिलेशन झालं आहे आणि कोणती गरज वाटली आमच्या हक्काच्या अंतर जसं विजय भाऊच्या सोबत ते येऊन आपल्याला मदत करत असतात आणि आमच्या करुणेश्वर ओल्डेज केअर हाऊसकडून त्यांना वाढदिवसाच्या खूप शुभेच्छा आहेत आणि आमच्या निवासी लोकांचा पण त्यांना आशीर्वाद आहे। आम्ही फक्त एवढंच हे करून त्यांच्या आयुष्याच्यासाठी प्रार्थना करतो का जेणेकरून त्यांचं आयुष्य पुढे चांगलं अजून लांब व्हावं आणि अशा लोकांसाठी जे काम करतात अशा लोकांसाठी त्यांचं अजून चांगलं त्यांचं कसं कार्य होईल याच्यासाठी आम्ही प्रार्थना करतो। ऑफिसर अजीन आहे, गे चार पाच साल से ये इधर आते हैं। उनके चार पाँच साल के लास्ट 4-5 बर्थडे जो भी है वो इधर ही मनाया है। जब भी आते हैं उनके लिए स्नैक्स, उनका यूनिफॉर्म का जो भी उनका मेनली उनके एजुकेशन का जो भी ज़रूरत है वो सब करके जाते हैं। वो मेनली एजुकेशन पर ध्यान देते हैं वो बच्चों का, तो बहुत खुश है हम। वो हमेशा सही सलामत रहे, उनका जो भी विशेष है पूरा हो जाए वो हम आशा करते हैं। इस वक्त सभी का शुक्रिया अदा करते हुए और इसी तरह आगे काम करने का जज्बा रखने का इरादा रखने वाले भाजपा के कामोटी के युवा नेता हैप्पी सिंह ने अपनी भावनाएं व्यक्त की है। मैं हमेशा जो बर्थडे है ये बच्चों के साथ में ही मनाता हूँ और मेरे जितने भी दोस्त हैं उनको भी ये स्पॉन्सर से मेरा मतलब 5-6 साल हो गए जो इन स्पॉन्सर से मेरा रिलेशन है, तो ये 4-5 साल से बर्थडे मैं इधर ही मनाता हूँ। जो नहीं मनाना चाहिए दूसरी जगह पार्टी वगैरह करते हैं तो इसके लिए ये बच्चे और जो वृद्धाश्रम है उधर जाके उनके साथ में ही मनाता हूँ। ये मैं आगे अभी तक का बहुत अच्छा सफर था और आगे इतना है कि ये जो 5-6 सालों में बहुत अच्छा पब्लिक का अच्छा रिस्पॉन्स है, लोकल अच्छे सपोर्ट्स है और आगे भी इससे डबल हो यही मैं सबके बच्चों का आशीर्वाद लेने आता हूं। वीडियो जर्नलिस्ट अरबाज साठे के साथ श्वेता भोईर की रिपोर्ट, नवी मुंबई आवाज, पनवेल। नवी मुंबई आवाज को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाएं नवी मुंबई और पनवेल की ताजातरीन खबरें।